गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है कामतगिरी ऑनलाइन क्लासेस में। जय कामतानाथ। आज से दोस्तों हम आपके लिए भारत के भूगोल की एक कंप्लीट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। आगामी जो आपका मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2024 का एग्जाम होने वाला है 23 जून को, उसे ध्यान में रखते हुए आज से हम ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये मिली है, जो पीएससी ने अपनी डेट 2 महीने के लिए और बढ़ा दी है। पहले ये डेट 28 अप्रैल थी और अब ये डेट 23 जून हो चुकी है। तो इस दौरान आप सभी के लिए जो भी महत्वपूर्ण हो सकेगा, जो भी हम कर सकेंगे, वो सारे प्रयास आपके लिए हम करेंगे। तो आज से इस सफर की शुरुआत हो रही है, आपको सफलता तक पहुँचाने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। जो क्लासेस आपको आज से प्राप्त होंगी, ये सारी क्लासेस दोस्तों ऑनलाइन फॉर्मेट में होंगी, एक फिक्स टाइम फॉर्मेट में होंगी। इनका शेड्यूल जारी रहेगा और उसी शेड्यूल में आपको कंटिन्यू डेली बेसिस पर क्लासेस प्राप्त होंगी। तो आज से दोस्तों जो हम शुरू कर रहे हैं वो है इंडियन ज्योग्राफी। सबसे पहले मैं भारत के भूगोल को, जैसा कि मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, एक बार मैं सिलेबस और बताऊंगा और उसके बाद मैं आज से भारत के भूगोल के संबंध में कुछ बेसिक चीज़ें आपके लिए शुरू करूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम किसी भी चाहे प्रदेश का भूगोल पढ़ें या भारत के भूगोल को पढ़ें या हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ें, हम सबसे पहले उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि भारत को अगर मैं एक युग पुरुष मान लूं, अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में मानूं, तो भारत एक जीता जागता एक युग पुरुष है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सबसे इंस्पिरेशनल लाइन कही थी कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इन्हीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए, इसे आत्मसात करते हुए इस सफर की हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, भारत के भूगोल को या भारत को उन्होंने एक युग पुरुष संज्ञा दी थी। और अगर मैं इसे एक बॉडी मानूँ, एक शरीर मानूँ, तो आपको पता है कि कश्मीर इसका मुखौटा है और जो तमिलनाडु है दोस्तों इसके पग हैं। दो भुजाएँ हैं जो ईस्ट और वेस्ट में गुजरात और अरुणाचल के नाम से जानी जाती हैं। और इस तरह से भारत का हृदय बसता है हमारे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जगह से हम आपके लिए क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, यानी कि चित्रकूट धाम से ये क्लासेस आप ऑनलाइन देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इस सफर को हम पूर्ण करेंगे आपके लिए और वो सभी चीज़ें लेकर के आएंगे दोस्तों जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी इस एग्जाम में कम्प्लीट प्रिपरेशन के लिए। तो भारत को अगर युग पुरुष माने तो भारत के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि भारत का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, भारत में आखिर में क्या क्या है। तो भारत का अगर शिखर देखेंगे दोस्तों, भारत का सबसे नदर मोस्ट सेक्शन देखेंगे, अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं सबसे पहले भारत में, तो भारत में दोस्तों ये जो मुख्य भाग आपको दिखाई देगा यहां पर हमारा पहला सेक्शन आता है जिसे कहते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों हमारा शुरू होगा हिमालय पर्वत, ये संपूर्ण हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के भी तीन भाग, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और सबसे लास्ट में शिवालिक रेंज देखने को मिलेगी। ये आपका ट्रांस हिमालय, ये मिडिल हिमालय और ये शिवालिक रेंज देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इन सभी के बारे में डिस्कस करूँगा कि आपकी पटकाई बूम हो गई, ये हो गई नागालैंड, ये नागा पहाड़ी, ये हो गई मणिपुरी पहाड़ी, ये हो गई आपकी मिजो पहाड़ी। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी अगर मैं पहला फिजिकल स्ट्रक्चर भारत का बताऊं तो द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ये है दोस्तों, सबसे पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में सबसे पहले हमें को पढ़ना है
ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, तीसरा पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, ये पहले फिजिकल स्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत का दूसरा फिजिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम नाम देते हैं एक बार हम मैप ड्रॉ कर लें, उत्तर भारत के विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान आपको दोस्तों इस भाग में दिखाई देगा। इसका दूसरा नाम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी है। ये भारत का दूसरा भाग होगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसमें चार भागों में से बांट के पढ़ते हैं हम लोग, भाभर, तराई, बांगर और खादर। डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, भाभर, तराई, बांगर, खादर, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनसे महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सा है, सबसे कम उपजाऊ कौन सा है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किसका है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र उनके होने के कारण भारत में मुख्यतः व्यवसाय कौन सा होता है, भारत की इकोनॉमी क्यों बेसिकली कृषि प्रधान है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब मैं इन मैदानों को आपको पढ़ाऊंगा। ये है उत्तर भारत के विशाल मैदान, पार्ट नंबर 3। अगर मैं दोस्तों यही डिस्कस करूं भारत के पार्ट नंबर 2 था ये, पार्ट नंबर 3 की बात करूं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये संपूर्ण क्षेत्र, अगर मैं यहाँ डिस्कस करूं ये जो संपूर्ण क्षेत्र है दोस्तों ये कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। आप सभी को पता होगा कि प्रायद्वीप उस संरचना को कहते हैं, यानी पेनिनसुला उस संरचना को कहते हैं दोस्तों जो तीन तरफ से समुद्री जल से घिरी होती हो, इसे कहते हैं प्रायद्वीप। मैं आगे बताऊंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रायद्वीप और बे यानी कि खाड़ी। जैसे आपको पता है ये हो गई आपकी संभात की खाड़ी, ये हो गई कच्छ की खाड़ी, इसे कहते हैं हम लोग, ये जो पूरा एरिया यहाँ पे जाएगा इस रीजन को कहते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। क्या डिफरेंस है प्रायद्वीप और बंगाल खाड़ी, जब इस पॉइंट पर आऊंगा तो बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा, इन सभी के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा, वो तो कौन सी नदियां हैं जो इनमें आकर गिरती हैं और उन नदियों की क्या विशेषता है, कौन सी नदी कहां जाती है, इन सभी के बारे में डिस्कस करूंगा मैं आपसे। उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो तीसरा पार्ट होगा ये है प्रायद्वीपीय भारत। अगर मैं प्रायद्वीपीय भारत की बात करूंगा तो भारत का प्रायद्वीप मुख्य रूप से एक पठार है जो बहुत सारे पठारों से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे पठार हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं यहाँ पर एक शॉट में हम देख लेते हैं कौन कौन से पठार हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ शुरू करते हैं तो ये है काठियावाड़ का पठार, यहाँ पर है अरावली पर्वत और अरावली पर्वत के जस्ट बगल में है ये मेवाड़ का पठार, उसके बाद इससे सटा हुआ ये है मालवा का पठार, यहाँ पे मध्य उच्च प्रदेश है और उसमें बहुत सारे हैं जैसे उसमें बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मध्य भारत का पठार, ये सब उसी में आता है। तो ये आपका बुंदेलखंड का पठार हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ नीचे आएंगे तो बघेलखंड का पठारी क्षेत्र मिलेगा आपको, बघेलखंड के पठार के क्षेत्र में यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार मिलेगा, यहाँ पर दंडकारण का पठार मिलेगा, ये जो बड़ा रीजन आपको देखने को मिलेगा इसे कहते हैं दक्कन का पठार, दक्कन के पठार के ही कई उपभाग पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद यहीं पर आंध्र और तेलंगाना का पठार जो दक्कन के पठार का पार्ट ही माना जाता है, तो यहाँ पर आपको तेलंगाना और आंध्र का पठार मिलेगा। ये आपका कर्नाटक का पठार है जहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ी मिलती है, बाबा बुदन की पहाड़ी वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा मिनरल्स के लिए जाना जाता है, छोटा नागपुर पठार के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप सभी को पता है कि भारत का एकमात्र जो स्वर्ण उत्पादन क्षेत्र है वो यहीं मिलता है, कोलार जिसका नाम है, आप सभी ने KGF मूवी देखी होगी, कोलार गोल्ड फैक्ट्री, तो सभी के बारे में आपको डिस्कस करूंगा दोस्तों। उसके बाद ये कर्नाटक के पठार के बाद यहाँ पर जो आता है वो तमिलनाडु का पठारी क्षेत्र आता है,
इस तरह से हम बहुत सारे पठारों को पढ़ेंगे। यानी कि अगर मैं आपको बताना चाहूं कि भारत का जो मुख्य रूप से प्रायद्वीप है वो खुद एक पठार है और उस पठार के कई छोटे छोटे भाग हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। आगे हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरे के बाद हमारा जो चौथा पार्ट है दोस्तों, वह है चौथा पार्ट भारत के द्वीप समूह। राइट, भारत के द्वीप समूह को पढ़ेंगे हम लोग। तो मैंने आपको अभी यहाँ बताया कि जो आपका हिमालय पर्वत है मुख्य रूप से, तो इधर से ये आपका नंगा पर्वत का क्षेत्र हो गया, ये नंगा पर्वत हो गया, और ये हो गया नामचा बरवा। राइट, नामचा बरवा, नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक हिमालय पर्वत आता है। उसके बाद ये टिल्ट होता है, ये आपको पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पटकाई बूम, मणिपुरी पहाड़ी, मिजो नागा हिल्स, मणिपुरी पहाड़ी, उसके बाद मिजो पहाड़ी, ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, इस द्वीप को हम लोग जानेंगे, इसका नाम है कोको द्वीप, जो कि म्यांमार की टेरिटरी है। आप सभी को पता होगा कि जो हिमालय का भाग म्यांमार के हिस्से में आता है उसका नाम है अराकान योमा, अराकान योमा। तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी हिमालय पर्वत को म्यांमार में कहा जाता है अराकान योमा पर्वत। उसके बाद ये कोको द्वीप है दोस्तों, और कोको द्वीप के बाद जो चैनल शुरू होता है इसे कोको चैनल कहते हैं, मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। और उसके बाद जब वापस से भूमि शुरू होती है तो इस पार्ट को कहते हैं अंडमान, और उसके बाद 10 डिग्री चैनल आता है। मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चैनल स्टेट एंड ग्रेट चैनल, दीज ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस। उसके बाद ये आएगा दोस्तों निकोबार, निकोबार के सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पे जाएंगे तो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट पे मिलेगा, भारत का दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। राइट, तो भारत के द्वीप समूह, तो हमारा एक पार्ट हो गया दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और उसके बाद यहाँ पर लक्षद्वीप समूह आते हैं, फिर कुछ विशेष द्वीप पड़ते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा श्रीलंका हो गया, यहाँ पे पाक स्टेट पाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है जहां पर इसरो ने अपना रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बना रखा है। मुझे कमेंट करके बताइए कि इसरो ने अपने दूसरे रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को भारत के किस पॉइंट पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आने वाले समय में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि साइंस और टेक यानी कि यूनिट नंबर 7 में इसरो एक अलग चैप्टर है, भारत के आपके जो MBBS का सिलेबस है भारत का, इसरो एक विशेष स्थान रखता है उस सिलेबस में, और 100% क्वेश्चन दोस्तों वहां से पूछे जाएंगे। तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि इसरो ने भारत का दूसरा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है, उसके कारणों को दोस्तों मैं जो उस पॉइंट पर आऊंगा समझाऊंगा कि आखिर वहां पर ही इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वहां पर ही अपने दूसरे रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र को स्थापित करने का निर्णय क्यों लिया है, व्हाट इज बेसिक सिग्निफिकेंट रीजन बिहाइंड दिस, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी बिट जब मैं इस पॉइंट पर पहुंचूंगा। तो दोस्तों ये भारत का द्वीप समूह है, ये आपको पता है, ये हमारा लक्षद्वीप है, इसी के नीचे वो कंट्री है जो दोस्तों अभी बहुत परेशान चल रही है मोदी जी से। मोदी जी एक विजिट को गए हमारे लक्षद्वीप को, और लक्षद्वीप में अचानक से बाढ़ आ गई है लोगों की पहुंचने की। तो ये हमारा लक्षद्वीप है जो भारत की टेरिटरी है, और ये है मालदीप जो दूसरी टेरिटरी है, और इसके बीच में एक चैनल पड़ता है, हम डिस्कस करेंगे। ये सबसे आखिरी पॉइंट है हमारे भारत का लक्षद्वीप की टेरिटरी में, जिसे का नाम है मिनीकॉय। लक्षद्वीप और मिनीकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है, फिर मिनीकॉय किस चैनल द्वारा अलग होता है किससे, आपके मालदीप से, हम डिस्कस करेंगे जब मैं इस पॉइंट पर आऊंगा। तो मतलब हमारा जो चौथा पॉइंट हो गया दोस्तों वो भारत के द्वीप समूह हो गए। अगर मैं पांचवें पार्ट की बात करूं दोस्तों, ये पांचवा पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये है दोस्तों बेसिकली भारत के तट, यानी भारत के तट हम इन्हें डिस्कस करेंगे, भारत के तटों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इस मैप को मैं और अच्छे से आपके लिए ड्रॉ कर पाऊं, यहाँ देखिए मैं तटों को बहुत विशेष रूप से ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो इसके बारे में होगी वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। आप सभी को पता होगा कि अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा स्पेसिफाई करके देखूँ, यहाँ पे दोस्तों एक जगह पड़ती है सूरत, और ये है दोस्तों कैप कैमोरिन, यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द मेन लैंड ऑफ इंडिया, भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है कन्याकुमारी। चाहिए कभी घूमने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है, कन्याकुमारी के पास ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। इस पॉइंट पे थोड़ा सा आगे जाएंगे कुछ 500 मीटर के आसपास जाएंगे तो समुद्र के बीच में वो जगह है जहाँ पे विवेकानंद जी ने तपस्या की थी, उस जगह का नाम
विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, बहुत खूबसूरत जगह है, आप यहाँ जाइए घूमने के लिए। तो दोस्तों ये जो सूरत से शुरू होकर के कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी तक जाता है और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न घाट्स में भी दोस्तों जो तटीय क्षेत्र है, मैं इसे ग्रीन बता रहा हूँ, ये हमारे वेस्टर्न तट हैं, यानी पश्चिमी तट हैं, राइट। कैसे बने, क्या स्पेसी इंफॉर्मेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए, राइट। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं अगला पॉइंट जो हमारे ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट के बारे में देखते हैं हम लोग। ये दोस्तों हमारा ईस्टर्न घाट है, आप देखेंगे, देख पा रहे होंगे कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो सकरे हैं और ईस्टर्न घाट्स अपेक्षाकृत चौड़े हैं। कारण डिस्कस करेंगे हम लोग, अगर आप जानते हो इसके कारण तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आखिर ऐसा क्या है कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो काफी सकरे हैं और ईस्टर्न घाट्स कंपेरेटिवली काफी चौड़े हैं। डिस्कस हम करेंगे जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा। तो उसके बाद दोस्तों इसी ईस्टर्न घाट के तट पर आप देखेंगे तो हमको यहाँ पर ईस्टर्न तट्स दिखाई देंगे। दोस्तों ये हमारे पूर्वी तट हो गए। तो हम लोग जो पांचवा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, पांचवा वो है हमारे तट, यानी इसमें आप वेस्टर्न घाट्स के तट भी पढ़ेंगे और ईस्टर्न घाट्स के तट भी पढ़ेंगे। और उसके पहले मैं वेस्टर्न घाट्स को बताऊंगा, फिर तटों के दोस्तों कई सारे नाम हैं। अगर मैं तटों के नाम आपको बताना चाहूँ तो तटों के कई सारे नाम हैं, इन नामों को हम डिस्कस करते हैं, नामों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों नाम आप यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा, महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर शुरू होता है सबसे पहले गुजरात तट, उसके बाद दोस्तों शुरू होता है कोंकण तट, उसके बाद यहाँ पर आता है एक जगह जिसका नाम है मैंगलूर, यहाँ पर इसको कहते हैं हम लोग, ये मैंगलूर तट को, ये आपका कोंकण तट हो गया, ये आपका गुजरात तट हो गया और इसे कहते हैं हम लोग कर्नाटक तट। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला जो पॉइंट आता है इसे कहते हैं मालाबार तट। याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है मालाबार तट, क्योंकि तो आपको पता है कि मालाबार एक्सरसाइज युद्धाभ्यास, मालाबार युद्धाभ्यास यहीं पर होता है। आप सभी को पता होगा कि जो केरल का तट है उसे मालाबार तट कहते हैं और मालाबार तट एक्चुअल में वो जगह है जहां से युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई थी, ये मालाबार युद्धाभ्यास था। लेकिन आपके लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताइए कि मालाबार एक्सरसाइज, राइट, मालाबार युद्धाभ्यास, युद्ध अभ्यास 2024 कहां हुआ। मैं पहले आपको यह बता देता हूं क्योंकि बाद में जब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा तो आपको सब कुछ लिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आप अभी यह जानिए कि मालाबार युद्ध अभ्यास, मुझे अगर कमेंट करके आप बता सके, चलिए मैं ही आंसर बताता हूं दोस्तों, ये अभ्यास हुआ है इस बार ऑस्ट्रेलिया में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि युद्ध अभ्यास पहली बार मालाबार युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और नाम यही था मालाबार युद्ध अभ्यास, जबकि मालाबार एक तट का नाम है जो केरल के तट को हम लोग कहते हैं, राइट। तो मालाबार युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अब इस युद्ध अभ्यास में कौन कौन से देश भाग लेते हैं दोस्तों, इसमें भाग लेने वाले देश वही हैं जो क्वाड के सदस्य हैं। दोस्तों क्वाड बना ही इसलिए था टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ चाइना इन दिस स्पेसिफिक रीजन, इस रीजन में चाइना के इफेक्ट को कम करने के लिए क्वाड को बनाया गया था, QUAD। क्वाड मतलब चार देशों का समूह, आप याद रखिएगा, इधर से क्वाड में आता है जापान, राइट, क्वाड में आता है जापान, नीचे से क्वाड में आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, हमारा प्यारा देश भारत, और इधर से आता है दोस्तों अमेरिका, राइट। तो ये वैसे, अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्वाड के सदस्य कौन हो गए, तो पहला जापान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा USA और चौथा भारत, ये चार देश ने मिलकर के क्वाड बनाया है। क्वाड हो गया, I2U2 हो गया, ये सारे आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे आप UPSC का एग्जाम दीजिए, UPPSC का एग्जाम दीजिए, MPPSC का एग्जाम दीजिए या State PCS कोई भी एग्जाम दीजिए, जिनमें भी थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि MPPSC में भी जो Unit 8 है उसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन तो नहीं पूछेगा दोस्तों, लेकिन आपसे इंटरनेशनल करंट अफेयर जरूर पूछेगा। और ये सीधे से सरल भाषा में कहूँ तो बहुत सरल क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाने चाहिए और आपसे बनने भी चाहिए, क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो क्वाड ग्रुप है यही क्वाड के सदस्य मालाबार एक्सरसाइज के भी सदस्य हैं, यानी मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन भाग लेता है, तो पहला ऑस्ट्रेलिया हो गया, दूसरा USA हो गया और तीसरा हो गया जापान, और दोस्तों चौथी हो गई हमारा प्यारा देश भारत, याद रखिएगा। तो ये चार देश
मालाबार एक्सरसाइज के भी सदस्य हैं और यही चार देश ने मिलकर के क्वाड बनाया है टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ चाइना, चीन के प्रभाव को कम करने के लिए हमने ये बनाया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे भारत के भूगोल के पांच फिजिकल सेक्शन खत्म होते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर वन, यानी कि भारत के फिजिकल ज्योग्राफी की आप डिस्कस करेंगे तो भारत के फिजिकल ज्योग्राफी का सबसे पहला पॉइंट यही है जो है दोस्तों आपने इन पांच पॉइंट को देखा, यानी कि भारत में पूर्वोत्तर का पर्वतीय, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के तीन भाग हो गए, सबसे पहला ट्रांस हिमालय हो गया, दूसरा हिमालय हो गया, तीसरा हो गया पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। फिर उसके बाद दूसरा फिजिकल सेक्शन कौन सा आता है, भारत का उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा आता है प्रायद्वीपीय भारत, जो प्रायद्वीपीय भारत खुद बहुत सारे छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है, काठियावाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, दंडकारण का पठार, छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद यहाँ जाएंगे तो आप याद रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा उपनाम क्या है, आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा उपनाम क्या है दोस्तों, तो प्रायद्वीपीय भारत के दूसरे उपनाम का नाम क्या है, तो हमारा एक बड़ा पठार है जो आधा साउथ इंडिया कवर करता है। जब मैं महाराष्ट्र से शुरू कर लूँ तो इसका नाम क्या है, दक्कन का पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा उपनाम क्या है, दक्कन का पठार, जिसमें आंध्र तेलंगाना का पठार भी आता है। नीचे आ जाएंगे कर्नाटक का पठार, उधर आ जाएंगे तमिलनाडु का पठार। तो इस तरह से राजस्थान के पास देखेंगे तो मेवाड़ का पठार मालवा के पठार के ऊपर पड़ता है। मालवा का पठार भारत का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फिजिकल सेक्शन आ जाता है। ये हम सब डिस्कस करेंगे जब एमपी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने पहले फिजिकल पार्ट के बारे में बात डिस्कस की, दूसरे पार्ट की बात करेंगे, तीसरा क्या है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत, चौथा क्या है हमारा उत्तर का या हमारे द्वीप समूह, और पांचवा मान लीजिए भारत के तट। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है दोस्तों वो है भारत का ड्रेनेज सिस्टम, यानी भारत में नदियां कौन सी निकलती हैं। तो मुख्य रूप से भारत में दो प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम पाए जाते हैं, एक है दोस्तों हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा आता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र को एक सरल भाषा में कहा जाता है दोस्तों, वो है आपका कि ये नदी तंत्र सदाबहार नदी तंत्र है। और अगर मैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करूं दोस्तों तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बरसाती है, यानी कि यहाँ पर जो इनकी नदियों का जो अस्तित्व है, नदियों को जो जल है, इनका प्रवाह है, इन पे आने वाली बाढ़ है, वो एक्चुअल में बरसात के सीजन में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो ये सदाबहार नदी तंत्र नहीं है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ यानी कि मैक्सिमम नदियाँ सदा नीरा नहीं है, जबकि हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ सदा नीरा है। अब हिमालयी नदी तंत्र को भी हम डिस्क्राइब करें दोस्तों, तो हिमालयी नदी तंत्र को मैं आपको बताना चाहूँगा। हिमालयी नदी तंत्र में मुख्य रूप से आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो हिमालयी नदी तंत्र में हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ एक जगह है जो चीन की टेरिटरी है। बेसिकली हम देखें तो जो चीन की टेरिटरी है दोस्तों, वहाँ से ये हमारा पूरा दरअसल देखें तो ये तिब्बत का क्षेत्र है। तिब्बत से कई नदियाँ निकलती हैं, मुख्य रूप से मैं बात करूँ दोस्तों सबसे विशेष नदी वो है सिंधु नदी तंत्र, ये सिंधु नदी निकलती हैं। उसके बाद दोस्तों सिंधु नदी के उद्गम क्षेत्र के पास से ही एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। मैं आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो ये हमारी सिंधु नदी हो गई, राइट, और ये आपकी आ गई ब्रह्मपुत्र नदी। इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि एक ही माँ की दो बेटी हैं, बस करवट बदल के लेटी हैं। तो मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, एक एक नदी और इन पर चलने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाएं और उनसे और भी जो क्वेश्चंस यूपीएससी एग्जाम से लेकर के अब तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं महत्वपूर्ण, वो सभी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। तो सिंधु नदी तंत्र तो आप यहाँ देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, और अगली जो महत्वपूर्ण नदी यहाँ से शुरू होती है दोस्तों, जो हमारे भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है जिसे जीवित नदी का संज्ञा दिया गया है, यानी जीव की अवधारणा के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, वो हमारी प्यारी गंगा स्वरूपा गंगा माँ, ठीक है, यानी कि देवी स्वरूपा गंगा माँ, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गंगा जी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब गंगा को आप सभी पता होगा कि गंगा जी का जो उद्गम होता है वो आप सभी को पता है कि ये भागीरथी लेकर के आए थे, पौराणिक मान्यताओं से ले लीजिए या किंवदंतियों पर ले लीजिए, तो ये मतलब एक तर्क जुड़ा हुआ है। अगर हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम गंगा किस पॉइंट से कहते हैं, गंगा नदी को गंगा किस पॉइंट से कहते हैं, वो जगह है देवप्रयाग। उसके पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों पंचप्रयाग के बारे में। अगर विशेष रूप से हम इसको डिस्कस करें तो अगर यहाँ से पॉइंट देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है देवप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी आगे मिलती है। तो अगर मैं इनको मानूं भागीरथी जो उद्गम क्षेत्र है गौमुख से, और उसके बाद यहाँ मिलती है अलकनंदा, तो यहाँ पे पंचप्रयाग पढ़ते हैं दोस्तों। इन सभी पंचप्रयागों के बारे में पढ़ाऊंगा, कौन सी नदी आके मिलती है, कब इसे विष्णुप्रयाग, कर्ण रुद्रप्रयाग कहते हैं, कब इसे पहले विष्णुप्रयाग कहते हैं,
फिर उसके बाद दंड प्रयाग कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं, रुद्र प्रयाग कहते हैं, और उसके बाद फाइनली ये पॉइंट आता है देव प्रयाग, जहां से गंगा नदी का नाम शुरू होता है। उसके बाद गंगा जी कहां जाती हैं, सबसे पहले कानपुर, उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद प्रयागराज में सबसे महत्वपूर्ण इनकी सहायक नदी आकर मिलती है, यानी कि प्रयागराज में जो आकर मिलती है उनका नाम है यमुना, राइट। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करूं तो वो है चंबल। अगर मैं चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करूं दोस्तों, तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है बनास। मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि बनास नदी एक्चुअल में कहां से निकलती है, और बनास नदी और उसके साथ निकलने वाली लूनी नदी, ये दोनों की डायरेक्शन कैसे अलग है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी अगर मैं बात करूं कि जो आपका हिमालय नदी तंत्र है उसमें विशेषता तीन नदियां पाई जाती हैं, तीन नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं, यानी सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा होगा गंगा नदी तंत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की मैक्सिमम नदियां किस नदी तंत्र को फॉलो करती हैं, तो दोस्तों वो है आपका गंगा नदी तंत्र। मध्य प्रदेश की मैक्सिमम अगर मैं विशेषता बात करूं तो दो नदियां ऐसी हैं जो सीधे गंगा में जाके मिलती हैं। एक हो गई हमारे सतना यानी चित्रकूट, ये पूरे रीजन से निकलने वाली पहली नदी, उसका नाम है तमस, और दूसरी नदी दोस्तों यहां से कुछ दूरी पर निकलती है वो है सोन। ये दो नदियां ऐसी हैं दोस्तों जो सीधे गंगा से मिलती हैं, बाकी नदियां या तो चंबल से मिलती हैं, चंबल जाके यमुना से मिलती है, या तो यमुना में मिलती हैं, यमुना जाके गंगा मिलती हैं। यानी मध्य प्रदेश की मैक्सिमम नदियां जो नॉर्थ बर्ड फ्लो होती हैं उनका जल जाकर कहां मिलता है, गंगा जी में। यानी कि मैक्सिमम नदियां गंगा नदी को फॉलो करती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी के बारे में एक फॉर्मूला है, हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, 1077/13/12 यानी कि एमपी में बहती है 1077 और 13 वादा टोटल बहती है दोस्तों। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो भारत का जो अगला फिजिकल सेक्शन होंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग जब नीचे आएंगे तो मैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में समझाऊंगा, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, उनमें सबके बताऊंगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की गंगा कैसे कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कैसे कहा जाता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला फिजिकल सेक्शन जो आ जाएगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, वो है दोस्तों भारत की मिट्टियां, भारत की जलवायु, भारत के खनिज उद्योग, उसके बाद भारत के खनिज, उसके बाद उद्योग, यातायात, परिवहन, और सबसे आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन में दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा वो है 2011 की जनगणना। एमपी के रिस्पेक्ट में भी इम्पोर्टेंट है और इंडिया के रिस्पेक्ट में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी दोस्तों नई जनगणना नहीं हुई है और इसलिए आपके लिए 2011 की जनगणना के अब जटिल आंकड़े पूछे जा रहे हैं आपसे। अगर लास्ट ईयर का पेपर, लास्ट जो हमारा पेपर हुआ 2023 का, इसका पेपर उठा के देखेंगे दोस्तों तो वो सरल प्रश्न नहीं था। इतने डेटा अगर आप याद करते होते तो जाहिर सी बात है आपकी बहुत अच्छी कमांड है फिर 2011 की या सेंसस 2011 की, याद रखिएगा। तो आपसे जटिल से जटिल जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने उसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है दोस्तों, वो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। यानी 2011 की जनगणना के आंकड़े पढ़कर हम ज्योग्राफी के कंप्लीट सेशन एंड करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को अगर ये हमारा प्रयास पसंद आता है, ये डेली बेसिस पे दोस्तों आप तक क्लास पहुंचेंगी, एक प्रॉपर शेड्यूल होगी, शेड्यूल में दोस्तों आपके लिए कल डिस्कस करूंगा और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको ये पूरी क्लासेस देखने को मिलेंगी। कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट सीरीज, पॉसिबल एमसीक्यूज हैं, जो जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सब मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। दोस्तों आपको प्लीज, अगर आप ये हमारा प्रयास पसंद करते हैं, प्लीज अपने कमेंट, अपने वैल्यूएबल रिस्पांस हम तक जरूर पहुंचाएं। स्टे ट्यून विद अस, क्लासेस विल बी बायलिंगुअल, मैं आपको जो नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा वो भी बायलिंगुअल होगा, तो इस पे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, केवल कॉपी पेन उठा लीजिए। अच्छा समय मिल चुका है दोस्तों, एग्जाम 2 महीने पोस्टपोन हो गया है, इसे एक अपॉर्चुनिटी मानिए और जो भी थोड़ी बहुत कमी रह गई थी उसे पूर्ण करते हुए आगे बढ़िए, सफलता सुनिश्चित करिए। बहुत ही जल्द मैं आपको पूरा शेड्यूल लेकर के आने वाला हूं और साथ में सिलेबस भी डिस्कस करूंगा आपके लिए। स्टे ट्यून विद अस, थैंक यू।